टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 7 विकेट से हरा दिया था। दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर पहले भी भिड़ंत हो चुकी है। 2015 में इन टीमों के बीच एकमात्र T20 मैच खेला गया था जिसमें टीम इंडिया को 6 विकेट से ही हार मिली थी। अब लगभग 7 साल बाद दोनों टीमें फिर से एक बार आमने सामने होने वाली है। पहले मैच में भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 211 रन बनाए थे। भारत की ओर से ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया था। साउथ अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने 64 और रेसी वॉन्डे रुसेन ने 75 रनों की शानदार पारी खेली थी। इन दोनों ने चौथे विकेट की साझेदारी में 131 रन जोड़े थे और अपनी टीम को आसानी से जीत दिला दी थी। शनिवार को टीम इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने जमकर पसीना बहाया। उनके हर शॉट पर मैच प्रैक्टिस देखने आए दर्शक शोर मचा रहे थे। कटक की पिच से गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, खासकर यहां स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहने वाला है और उन्हें टर्न्स भी मिलने वाली है। यहां भारत के पिछले T20 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ यजुवेंद्र चहल ने 4 विकेट चटकाए थे। पहले मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए, लेकिन आज होने वाले मैच में उनकी परीक्षा हो सकती है। भारतीय लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल इस मैदान पर सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। चहल ने इस मैदान पर 4 विकेट अपने नाम किए हैं, वहीं हार्दिक पांड्या के नाम 3 विकेट हैं। दूसरे T20 के लिए साउथ अफ्रीका अपने प्लेइंग 11 में शायद ही कोई बदलाव करे, लेकिन टीम इंडिया एक बदलाव कर सकती है। हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार की स्पीड पहले मैच में बहुत कम रही और दोनों को अच्छी खासी मार भी पड़ी। ऐसे में उमरान मलिक को मौका मिल सकता है। पिच अगर फ्लैट हुई तो उमरान अपनी तेज गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।